So hey, what's up guys, Harsh here, back with another video. So guys, before beginning, I want to quickly tell you guys one thing. Ki guys, main ye puri kit ek apni website pe sell kar raha hu. Guys, my website is harshsharmatechnicals.com. Guys, jo bhi pura setup hai, matlab ye puri kit main sell kar raha hu. I'll just show you. Agar aap order karte hain, to aapko aisa kuch packet milega. And iske andar guys, ye sari cheeze hongi. मतलब जो भी चीज आपको चाहिए ये पूरा सेटअप बनाने के लिए वो सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी गाइस. जम्पर केबल्स, हमारा चार चैनल का रिले, Arduino Uno बोर्ड गाइस, ये पूरा Uno बोर्ड प्रोग्राम्ड होगा, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड होगा. तो जिन लोगों को थोड़ी प्रोग्रामिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो चाहें तो ये किट पूरी ऑर्डर कर सकते हैं. सो गाइस, COD मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, इसलिए आपको ट्रस्ट इश्यूज का मतलब कोई सीन ही नहीं है ऐसा, तो कि हां मैं आराम से ट्रस्ट कर सकता हूं क्योंकि COD अवेलेबल है. अगर आपको Paytm से पे करना तो Paytm से भी पे कर सकते हैं गाइस, 50 रुपीस आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. एंड गाइस, जो ये बोर्ड है ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है. सो गाइस, आपको बस करना क्या पड़ेगा, सर्किट डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन करने पड़ेंगे, बाकी गाइस कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और आपको. So if you want, then you can buy this entire kit from my website. Links are here in the description box below. You can go and check it out. And अगर आपको अच्छे लगे तो आप वहाँ से खरीद लेना. And उससे थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी. And आपको भी fully programmed Arduino Uno board और सारा सेटअप मिल जाएगा. So hey, what's up guys, Harsh here, back in the video. So guys, in this video, I'm going to show you that how you can create your very own home automation setup using these simple things. This Arduino board, relay board, jumper wires and this Bluetooth module. So guys, मेरे चैनल पे ये वाली वीडियो एक बार पहले से भी है guys. ये मेरी one of the most viewed video है, 1.5 million views है guys. I really don't know कि ऐसा कैसे हो गया. So guys, this video went viral on my channel. And guys, जब मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाई थी, तब guys मेरे खुद के concepts थोड़े बहुत clear नहीं थे. And काफी लोगों को errors भी आ रहे थे, काफी ज़्यादा. मतलब मेरे पास रोज सेम क्वेश्चन आते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कि ये एरर कैसे सॉल्व करें, ये एरर कैसे सॉल्व करें. एंड गाइस, सबको एक एक बार टाइप करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. सो गाइस, इन दिस वीडियो मैं सारे वो एरर वाले पार्ट्स भी कवर कर लूंगा इस वीडियो में. एंड गाइस, मैं ट्राई करूंगा कि जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं सारी आपको दे दूं, जिससे आप ये वाला सेटअप काफी अच्छे तरह क्रिएट कर पाए. गाइस, मैंने ये सेटअप इतनी बार क्रिएट कर रखा कि अब मैं बिल्कुल प्रो हो चुका हूं इसमें, मेरे को एक एक चीज पता है इसके बारे में. सो गाइस, लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड. सो गाइस, तो इसके आपको चाहिए क्या क्या होगा, एक Arduino Uno बोर्ड, एक बल्ब जो भी आपको ऑन ऑफ करना है, जरूरी नहीं आप ऐसा बल्ब यूज करें, कैसे भी बल्ब यूज कर सकते हैं. ये होल्डर मैंने इसलिए यूज करा है क्योंकि गाइस मेरे पास बल्ब ऐसे वाला है. गाइस, एक रिले बोर्ड, 1 चैनल रिले बोर्ड, 4 चैनल रिले बोर्ड, 8 चैनल रिले बोर्ड, 2 चैनल रिले बोर्ड, सबके लिए सेम प्रोग्राम यूज होगा. आप चाहें तो गाइस वो प्रोग्राम मतलब जितना रिले आप जो सा रिले आप चाहें वो रिले यूज कर सकते हैं. कुछ जंपर वायर्स, ये है मेल फीमेल जंपर वायर्स, मेल फीमेल जंपर वायर्स आपको चाहिए होंगी. डी टाइप यूएसबी केबल टू प्रोग्राम योर Arduino Uno बोर्ड. दिस वायर इज द HC-05 ब्लूटूथ मॉड्यूल, ये भी आपको चाहिए होगा, जिससे आपके कनेक्शंस आपके मोबाइल से कनेक्शंस आपके Arduino Uno बोर्ड पर जाएंगे, जिससे आपका जो रिले बोर्ड है वो ट्रिगर ऑन ऑफ हो जाएगा. एंड गाइस, ऑब्वियसली अ स्क्रू ड्राइवर और एक लैपटॉप आपके Arduino Uno बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए. सो गाइस, सेटअप के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, मैं फटाफट पहले आपको दिखा देता हूं कि आपको Arduino Uno बोर्ड अपना प्रोग्राम कैसे करना पड़ेगा. तो इसके लिए आपको चाहिए होगा लैपटॉप. एंड गाइस, आपको एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी अपने लैपटॉप में, जिसका नाम है Arduino IDE एप्लीकेशन. सो गाइस, मैं इसके लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड गाइस, लेट मी जस्ट क्विकली कनेक्ट माय Arduino Uno बोर्ड टू माय लैपटॉप. सो वेट. Here we go. So guys, maybe आपको बाहर से थोड़ा बहुत शोर आ रहा होगा, guys, please bear with that. बाहर बच्चे खेल रहे हैं, मैं शायद से कुछ नहीं कर सकता इस चीज का. एंड गाइस, मेरा माइक्रोफोन मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना कम हो सके उतनी नॉइज आपको मिले. सो गाइस, आपको करना क्या पड़ेगा, आपको Arduino IDE एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा अपनी. एंड गाइस, मैं कोड के लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मेरी वेबसाइट पे आपको कोड देखने को मिल जाएगा. सो गाइस, कई लोगों के साथ होता क्या है, आपके पास एक एरर आता है जिसका नाम है स्ट्रे एरर. गाइस, मैंने कोड के नीचे सेपरेट लिंक मेंशन कर रखा है अपनी वेबसाइट में कि अगर आपको स्ट्रे एरर आ रहा है तो आप यहां से कोड डाउनलोड कर सकते हैं. गाइस, ये वाला एरर मेरे को इसके बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि लोगों को स्ट्रे एरर देखने को मिल रहा है. सो गाइस, स्ट्रे एरर आपको नहीं मिलेगा देखने को अगर आप मेरे जो नीचे प्रोग्राम के पूरे नीचे मैंने लिख रखा है स्पेशली, इफ यू आर गेटिंग अ स्ट्रे एरर देन डाउनलोड द कोड फ्रॉम हियर. सो गाइस, आप हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं कोड को. एंड गाइस, उसके बाद अगर आप वहां डाउनलोड करेंगे तो स्ट्रे एरर नहीं आएगा गाइस, क्योंकि ये होता इसलिए है, अगर आपने जैसे मान लो ये जो कोड है ये आपने अगर मेरी सीधा वेबसाइट से कॉपी करा तो गाइस जो कुछ हिडन कैरेक्टर्स ऐड हो जाते हैं वेबसाइट में, जो एनकोडिंग होती है और जो इसमें इनकोडिंग होती है मतलब वेबसाइट में अगर आप कॉपी पेस्ट कॉपी कर लोगे सीधा पूरे के पूरे कोड को, तो गाइस होगा क्या, कुछ हिडन अल्फाबेट्स भी आ जाएंगे साथ ही साथ आपके वेबसाइट वाले पार्ट से अगर आप कॉपी करोगे. जब आप यहाँ पे उसको पेस्ट करोगे IDE एप्लीकेशन में तो जो हिडन वाले कैरेक्टर्स है वो आपको दिखाई नहीं देंगे बट वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे, तो एनसाइक कोड के हिसाब से कोड पूरा गलत हो जाएगा. सो गाइस, स्ट्रे एरर अगर नहीं आता है वहां से कॉपी करने के बाद तो कोई बात नहीं, बट अगर आता है तो लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर कॉपी कर सकते हैं. गाइस, दूसरे जो लोगों को देखने को मिल जाता है वो है एग्जिट स्टेटस 1 कह रहा है. गाइस, वो इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे जाके टूल्स में जाके पोर्ट में सही से पोर्ट कलर सेलेक्ट नहीं कर रखा होता. सो गाइस, अगर देखो मैं इसको सीधे ऐसे अपलोड करने की कोशिश करूंगा तो मेरे को एक एरर देखने को मिल जाएगा, वो एरर होगा शायद से एग्जिट 1 एरर. सो लेट्स जस्ट ट्राई.
अभी तो ये कंपाइल कर रहा है, और जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोग्राम प्रॉब्लम अपलोडिंग टू द बोर्ड, ठीक है, देख सकते हैं एरर हमें देखने को मिल गया, प्रॉब्लम अपलोडिंग टू द बोर्ड। गाइस एग्जिस्ट एरर नहीं आया, वरना एग्जिस्ट स्टेटस एरर आता था पहले, आई रियली डोंट नो वो क्यों नहीं आया। एनीवे गाइस, अगर आपको ये एरर से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टूल्स पे जाना पड़ेगा, पोर्ट पे जाना पड़ेगा, एंड कॉम 46 जो भी आपके कंप्यूटर के हिसाब से होगा, मेरे में 46 आ रहा है, आपके में 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, वो करना पड़ेगा सेलेक्ट। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं अपलोडिंग शुरू हो गई है, एंड डन अपलोडिंग। गाइस कोड अपलोड करना बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट अगर आप ये दो चीजें दिमाग में रख लेंगे तो आपका कोड बिल्कुल आसानी से अपलोड हो जाएगा। देखो गाइस सिंपली कोड अपलोड हो चुका है, पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था गाइस मेरे को शायद से पूरा एक दिन लग गया था कोड अपलोड करने में, बट गाइस मेरे को धीरे धीरे पता लगता गया कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ। एंड नाउ गाइस मैं ऐसे हजार आर्डिनो बोर्ड शायद से 1000 आर्डिनो बोर्ड्स पे कोड आराम से अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी क्या मिस्टेक थी, वो मिस्टेक मैं अब नहीं करूंगा। गाइस बेसिकली आपका कंप्यूटर काम हो गया है, ये ऐसे इतना सिंपल था कोड को अपलोड करना, हमने कोड अपलोड कर दिया है। अब मैं बाकी आपको कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ, सो मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया हमारे पावर सप्लाई से। गाइस आपको सर्किट डायग्राम के लिंक्स भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, गाइस सर्किट डायग्राम के हिसाब से भी कनेक्शन कर सकते हैं, बट अगर आपको मेरी आवाज़ से समझ नहीं आ रहा है तो सर्किट डायग्राम मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। गाइस पहले आपको 4 मेल फीमेल जंपर वायर लेनी पड़ेंगी, एंड आपको अपनी HC-05 पर कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो गाइस HC-05 कनेक्शन कुछ इस तरह से होंगे, जो ऊपर वाली पिन है स्टेट पिन उसको आपको खाली छोड़ना है, और जो सबसे नीचे वाली पिन है EN पिन इसको भी आपको खाली छोड़ना है। RX TX GND और 5 वोल्ट पर कनेक्शन कर देने हैं। गाइस अब करना क्या पड़ेगा आपको, जो RX है वो आपकी जाएगी TX पर, जो RX है आपकी हमारे HC-05 मॉड्यूल की वो जाएगी TX ऑफ Arduino बोर्ड, और गाइस जो हमारे Arduino बोर्ड की RX है वो जाएगी ब्लूटूथ मॉड्यूल के TX पर। सो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एक सेकेंड गाइस, ब्लूटूथ मॉड्यूल की RX Arduino के TX पर, और गाइस ब्लूटूथ मॉड्यूल की TX Arduino के RX पर, ठीक है। तो ये कर दिया कनेक्शन, अब है इसकी GND पिन। गाइस GND पिन जाएगी Arduino के ग्राउंड पर, Arduino पे 3 ग्राउंड पिन होते हैं, तो आप चाहें तो उसमें किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको, मैंने इस वाले पे कर दिया। एंड गाइस जो 5 वोल्ट वाली पिन है उसको कनेक्शन करना है आपको VIN पर, ठीक है। गाइस ये 4 कनेक्शन थे, चारों हो गए हैं, RX टू TX, TX टू RX, 5 वोल्ट टू VIN एंड GND टू GND। ऑलराइट गाइस, तो इसका कनेक्शन भी हमने कर दिए हैं। नेक्स्ट अब कनेक्शन आते हैं हमारे रिले बोर्ड के। सो गाइस ये सारी चीज़ें मेरे को याद है जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, अभी ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी गाइस, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो गाइस इसके लिए कनेक्ट, सो गाइस अगर आपका 4 सेल का रिले तो आपको चाहिए होंगी 6 मेल फीमेल वायर्स, 1 2 3 4 5 6, एंड गाइस सबको कनेक्ट कर देना पड़ेगा इस पर। सो वेट, सो गाइस आपको जो हमारे रिले की VCC है, रिले की VCC को कनेक्ट करना पड़ेगा 5 वोल्ट पर, और जो रिले की ग्राउंड है उसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा GND पर। सो VCC को 5 वोल्ट पर और ग्राउंड को ग्राउंड पर ही, एंड गाइस जो बीच की वायर है इसमें IN1, IN2, IN3, IN4 उसको कनेक्ट कर देना पड़ेगा 3, 4, 5, 6 पर, 3, 4, 5, 6। आप चाहें तो इसको 9 तक कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, सो मैं इसको 3, 4, 5, 6 पर कनेक्ट कर देता हूँ। गाइस अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मेरी आवाज़ से समझ नहीं आ रहा तो सर्किट डायग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर वहाँ से कनेक्शन कर सकते हैं। एंड गाइस बेसिकली कनेक्शन सारा पूरा हो ही गया है Arduino रिले बोर्ड और हमारे HC-05 मॉड्यूल का। गाइस इसकी पावर सप्लाई की मैं अगर बात करूँ तो पावर सप्लाई गाइस मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, मैंने बैटरी से पावर सप्लाई करी थी, जो कि एक थोड़ा रॉन्ग प्रोसेस था, क्योंकि गाइस बैटरी जो होती है वो होती है 9 वोल्ट की। एंड गाइस 9 वोल्ट की बैटरी अगर हम सीधा हम VIN से पावर करेंगे तो गाइस जो हमारा Arduino है वो ऑपरेट करता है 5 वोल्ट पर, और वो बैटरी होती है 9 वोल्ट की, तो गाइस चांसेस है कि हमारा Arduino खराब हो जाए। गाइस सिंपली आप पावर्स को ऐसे कर सकते हैं, तो 9 वोल्ट की बैटरी को आप यहाँ पर लगाएं इस वाले स्विच में, क्योंकि यहाँ पे हमें एक वोल्टेज रेगुलेटर देखने को मिल जाता है, जिससे 9 वोल्ट की बैटरी 9 वोल्टेज को 9 वोल्ट को वो 5 वोल्ट में अपने आप कन्वर्ट कर देगा। बट गाइस अगर आपके पास कुछ भी नहीं है वोल्टेज, मतलब अगर आपके पास यहाँ से आप कनेक्शन पावर नहीं कर रहे हो उसको, तो गाइस सिंपली आप अपने एक USB को अपने लैपटॉप के साथ या फिर 5 वोल्ट के मोबाइल चार्जर के साथ, पावर बैंक के साथ, किसके साथ भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैं इसको लगाऊंगा, हेवी गो, सो गाइस ये जो कट की आवाज आई आपको रिले में से, इसका मतलब है प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, मतलब रिले बिल्कुल सही चल रहा है, एंड एवरीथिंग इज फाइन। सो मैं फटाफट एक बार आपको इसको भी निकाल देता हूँ, एंड अब जरा बल्ब के कनेक्शन बताता हूँ बल्ब के कनेक्शन कैसे करने हैं। सो गाइस आपको एक सिंपल वायर लेनी पड़ेगी, सिंपल वायर इसको कनेक्ट कर देना पड़ेगा नॉर्मली ओपन पे। सो गाइस नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, इसके बारे में अगर आपको जानना, वेट मैं बताई देता हूँ आपको क्या होता है रिले में, किस तरह से रिले काम करता है। सो गाइस रिले में हमें देखने को मिल जाते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, ये इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। अगर कोई और पार्ट स्किप करें तो आप इसको स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, बट मेरा बड़ा मन कर रहा है इसको एक्सप्लेन करने का। सो गाइस इसमें होगा क्या, गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। सो गाइस इसमें 3 होते हैं, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और कॉमन। गाइज ये कुछ इसका कुछ डायग्राम इस तरह का होता है। गाइज जैसे ही जैसे अपने कट की आवाज़ सुनी, अगर कट की आवाज़ जैसी वो आती है तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है इसके अंदर वो मूव कर रही होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे।
गाइज नॉर्मली ओपन जो है वो यूजुअली ओपन रहता है एंड गाइज उसमें कनेक्शन नहीं होते हैं, मतलब अगर हम इसमें यहाँ पे वायर डालेंगे नॉर्मली ओपन में तो गाइज वो जो हमारा सर्किट है वो सर्किट ब्रेक रहेगा, कनेक्ट करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। बट गाइज जैसे ही हम करंट को इसमें पास करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से नॉर्मली ओपन जो है वो वाली जो हमारी रॉड लगी हुई नॉर्मली ओपन पे वो नॉर्मली क्लोज पर चली जाती है एंड जैसे नॉर्मली क्लोज पर जाती है पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है हमारे पूरे इस रिले में एंड जिसकी वजह से हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर जाता है। सो गाइस बेसिक कॉन्सेप्ट ये शायद सबको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स और बिलो, मैं चाहूँ आप चाहें तो मैं इसके डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा कि एक रिले बोर्ड कैसे काम करता है। सो गाइस मैं फटाफट को कनेक्शन बता देता हूँ, सबसे पहले वो करेक्ट करना पड़ेगा इसके एक नॉर्मली ओपन में, गाइस नॉर्मली ओपन जो है वो सबसे लेफ्ट वाला जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ पे बना भी हुआ है जहाँ पे कनेक्शन पूरा नहीं हो रखा है ये वाला, ये है नॉर्मली ओपन, सेंटर वाला है कॉमन और राइट वाला है नॉर्मली क्लोज। सो मैं इसमें एक वायर डालता हूँ, गाइस मेक श्योर कनेक्शन अच्छी तरह से करें आप वरना शॉर्ट होने के चांसेस हो जाते हैं जो कि शायद से आप कभी नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है एक वायर मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी एंड गाइस दूसरी वायर जो है वेट आई जस्ट टेल यू, सो गाइस जो दूसरी जो कॉमन में आपको कनेक्शन करना है वो कनेक्शन करना है जो बल्ब में से एक वायर आ रही है। सो जो बल्ब में से जो आपका बल्ब है एसी बल्ब है उसमें दो वायर देखने को मिल जाती है आपको, एक वायर को आपको कनेक्ट करना है कॉमन में, एक तो सिंपल हमने वाली वायर कनेक्ट कर रखी है और जो दूसरी वायर कनेक्ट करनी है हमें वो है कॉमन की, कॉमन में करनी है और वो बल्ब में से आ रही है। सो मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ एंड गाइस हियर वी गो। सो गाइस अब क्या होगा कि एक तो वायर जो वाली निकली हुई है ये और जो हमारी इसमें से बल्ब की दूसरी वायर थी, ये दोनों वायर जो है जिसके हमें कनेक्शन करने जिसके साथ हमें इनको एसी पावर में डालना है। सो गाइस जो रिले है ये यूजुअली 7 एम्पियर्स तक करंट को पावर कर मतलब कवर करंट को झेल सकते हैं, ट्राई करना थोड़ा कम वोल्टेज वाली चीज़ें लगाना जैसे ट्यूबलाइट हो गई, फैंस हो गए, ये HC-05 हो गए, थोड़ी हैवी अप्लायंसेज अगर आप लगाओगे तो रिले के फटने के या फिर रिले खराब होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो 7 एम्पियर्स लिखा होता है इस पर कितना लिखा है, इस पर 10 एम्पियर्स लिखा हुआ है, बट गाइस 10 एम्पियर्स मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, 10 एम्पियर्स तक जाओ, 7 एम्पियर्स तक जाओ आप ठीक है, 7 एम्पियर्स तक कुछ नहीं होगा और हाँ मतलब 10 एम्पियर्स लिखा हुआ है, जरूरी नहीं कि 10 एम्पियर्स ही दे आपको। अब गाइस मैं फटाफट अपना एक्सटेंशन बोर्ड को ऊपर लाता हूँ एंड ये दोनों वायर जो हैं उसके अंदर डालता हूँ। सो गाइस मैं अपने आर्डिनो को भी कनेक्ट कर देता हूँ, इसको भी पावर सप्लाई दे देता हूँ, रिले चल गए हैं एंड यप जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस बल्ब भी ग्लो कर रहा है। सो गाइस मैं इसके लिए आपको चाहिए होगा एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन जिसकी मतलब जो आपके मोबाइल में होगी। गाइस मैं अपना मोबाइल नीचे उतार रहा हूँ ऊपर से तो आपको ऊपर वाला शॉट है वो देखने को नहीं मिलेगा अब एंड गाइस उनकी जो क्वालिटी है ऑडियो की वो भी थोड़ी सी खराब हो जाएगी क्योंकि गाइस इससे ही मैं जो माइक है मैं इसी से सिंक कर रहा था। सो गाइस प्लीज बेयर विद दैट, मोबाइल के ब्लूटूथ मिलाना पड़ेगा गाइस, एंड्रॉइड फोन इज रिकमेंडेड अगर आपको एंड्रॉइड मतलब एंड्रॉइड फोन ही होना चाहिए, ट्राई करना आईफोन ना हो, एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास होगा तो गाइस यहां पे आपको जब आप ब्लूटूथ मेन्यू में जाएंगे आपको एक HC-05 या फिर HC-04 HC-06 जो भी आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल होगा उसके हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस मेरे को यहां पे HC-05 देखने को मिल गया है, बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है 1234, तो 1234 मैंने इस पे एंटर किया एंड गाइस कुछ ही सेकंड में कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो गया है। उसके बाद गाइस करना क्या पड़ेगा आपको, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। गाइस ये एप्लीकेशन जो है जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है गाइस, ये अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, ये मतलब मैंने क्रिएट नहीं करी है कोई, मैंने किसी के थ्रू डाउनलोड करी थी एंड गाइस वो प्ले स्टोर पे नहीं है। तो गाइस ये जो मेरी ये एप्लीकेशन है ये मेरी नहीं है, आई एम टेलिंग यू गाइस राइट नाउ, किसी थर्ड बंदे की है जो प्ले स्टोर से रिमूव हो चुकी है। बट गाइस जो हमारा पूरा सेटअप है ये इसी पे एप्लीकेशन चलता है, इसलिए वाली एप्लीकेशन यूज कर रहा हूं। गाइस करना क्या पड़ेगा आपको, कनेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा एंड अपने HC-05 को यहां से कनेक्ट कर देना पड़ेगा। सो मैं इसको ऑन करता हूं एंड गाइस बेसिकली इतना सिंपल है, बिल्कुल सारा सेटअप आपका हो गया है, कोई अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आप सिंपली अपने इस पे जाएंगे डिवाइस पर एंड यहां पे ऑन ऑफ का आपको देखने को बटन मिल ही जाएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे ऑफ ऑन पर लाइट हो जाएगी ऑन, जो कट की आवाज आ रही है आपको गाइस ये वही जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज पे। सो आई विल जस्ट शो यू अगेन, ये देखो ये मैंने किया ऑफ ऑन, बाहर से गाइस बहुत शोर आ रहा है, ऊपर से माइक भी ये वाला है तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो गाइस ये इतना इजी है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। सो गाइस शायद आपको देख के समझ आ गया होगा कि ये पूरा मेथड ये पूरा सेटअप किस तरह से काम करता है एंड गाइस इफ यू गाइस मेड टिल द एंड अगर आप इस पॉइंट तक आ गए हैं आई सर्टेनली होप इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। सो गाइस आई थिंक दैट्स ऑल फॉर प्रीमियम फॉर दिस वीडियो एंड इस एंटायर सेटअप के लिए डू ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो एंड इफ यू वांट मेकिंग मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।